शनिवार को दानापुर नगर परिषद के दैनिक सफाई कर्मियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दिया है। सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के मुख्य गेट के पास आगजनी करते हुए नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई नहीं होने से पूरे नगर में गंदगी पसर रहा है। बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर पहले भी कई बार सफाई कर्मी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। सर की पैसा बढ़ा हुआ है, 5 महीना से हमको पैसा नहीं मिल रहा है और कहा कि जो पैसा कमाते हैं हम लोग उसमें भी कम आता है, उसमें भी कम दिया जाता है। हाँ, कम दिया जाता है। क्या मांग है आपका? हम लोग का जो पटना नगर निगम में मांग है सर, ये 490 रुपया है सर पटना में, तो उस हिसाब से हम कह दिया जाए, मतलब जो पटना नगर निगम मिलता है वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। 50 रुपया पिछले बार बढ़ाया गया है? नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, सोचना दिए गए, सिर्फ सोचना के बाद भी नहीं बढ़ाए लोग, नहीं मतलब कागज पर खाली है। हड़ताल रखेंगे कैसे? लिए हम लोग बढ़ा नहीं रहा, पैसा बार बार खाली आश्वासन देता है कि बढ़ जाएगा, जब तक पूरा नहीं होगा मांग नहीं कर। नहीं, क्या नाम हुआ? गोरा का नाम है। तुम लोग क्या 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 के लिए हड़ताल किए हो? अरे कि पैसा भरने के लिए हड़ताल किए हुए हैं। 6 महीना से पैसा बढ़ा के देने के लिए बोल रहा था, अभी तक बढ़ा के दे रहा, खाली आश्वासन दे रहा था कि बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। कुछ दिन पहले भी हड़ताल किए थे, क्या इसी कारण से किए थे कि पैसा बढ़ जाएगा? इसी के आश्वासन अभी तक खाली लिख के दे रहा था कि चेयरमैन जो भी हो सब लिख के देता है, खाली पैसा बढ़ जाएगा, भरने का कोई आश्वासन है नहीं। तो खाली कब तक हड़ताल रखना है? जब तक पैसा बढ़ा के अकाउंट में डाल नहीं देगा, जब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, जम जारी रहेगा। पिछले बार इसी तरह से हुआ था। अभी पीएफ बोनस जो भी है, हम लोग का एक आश्वासन मिलना चाहिए कि आई कार्ड एगो मिलना चाहिए कि हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई हड़ताल हो गया, गोले टूट गया, उसका कोई शासन नहीं है कि क्या होगा, मर गया तो करके काम खत्म, उसका मतलब सुरक्षा की मांग कर रहा है। सुरक्षा की मांग भी हमने पूरा होना चाहिए। क्या नाम हुआ? सनीराम मेरा नाम हुआ। क्या करते हो? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी 16 बरस से है। दैनिक सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाले जाने के बाद नगर में जहां जगह जगह कचरे का अंबार सा लग गया है, वहीं दानापुर नगर परिषद के बड़ा बाबू शिवपूजन सिंह यादव जैसे ही अपने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद हड़ताल कर्मियों ने सफाई कर्मियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और जमकर नारेबाजी लगाने लगे। इस दौरान हड़ताल के समर्थन में खड़े समाज सेवी राम भजन सिंह यादव ने कहा है कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों मेहनतकश लोग हैं और ये लोग संगठित नहीं हैं, इसलिए इनकी कोई नहीं सुनता है। हम नगर परिषद के प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे नगर निगम की सफाई कर्मचारियों को वेतन मिलता है, ठीक उसी तरह इन लोगों को भी वेतन मिलना चाहिए। वहीं सफाई कर्मियों ने बताया कि एक साल में लगभग हम लोगों ने चौथी बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, पर नगर प्रशासन मांगों को ठुकरा रही है, केवल आश्वासन दे रही है, इससे कोई काम नहीं चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। के सफाई कर्मचारी सभी मेहनत कश लोग हैं और खाली एक कमी है इन लोगों का कि संगठित नहीं है, असंगठित है। हम इन लोगों को सुझाव दिए हैं कि आप संगठन बनाइए, संगठन का रजिस्ट्रेशन कराइए और पटना नगर निगम में 500 रुपया पर डे दैनिक वेतन भोगी का तनख्वाह मिलता है और 800 रुपया पीएफ कटता है या 600, तो यहाँ भी सारा व्यवस्था लागू हो। यहाँ का स्कूटी चोर, वो यहाँ का बड़ा बाबू चोर, सारा इंजीनियर चोर और कर्मचारी का शोषण करता है ठंडा में। ये लोग भोरे से उठ करके काम करता है, अगर ये लोग हड़ताल कर दे 3 दिन तो दानापुर में कलरा हैजा फैल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम तेजस्वी कन चलेंगे, नगर विकास के प्रधान सचिव कन चलेंगे और जिस दिन पटना ये जुलूस चला गया उसी दिन स्कूटी सारा इंजीनियर बड़ा बाबू छोटा बाबू जो सफाई निरीक्षक है सब साला बर्खास्त हो जाएगा। इन लोगों को बर्खास्त होना भी चाहिए। क्या मांग है? क्या मांग है लोग? मांग यही है कि हमको जो नगर निगम में जो सफाई कर्मचारियों को वेतन और ग्रेजुएटी से लेकर के पीएफ कटता है और ड्यूटी करने का जो कार्यक्रम है 6 घंटा उसी तरह से मतलब यहाँ भी हमको सुविधा मिलनी चाहिए।